आदमी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में दिन भर जनसंपर्क किया। देर शाम भी उनका जनसंपर्क अभियान चलता रहा। जनसंपर्क अभियान के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि आज के समय में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक एनडीए से ही है, इसके बाद भी कुशेश्वर स्थान का विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि गुरुवार को हुए नाव हादसे को लेकर भी उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि ये लड़के यदि सड़क होते तो ऐसी दुर्घटना होती ही नहीं। इससे पहले सुबह से कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने विधायकों के साथ कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने सड़क मार्ग से गौड़ा चौक, बेर चौक, मधुवन चौक, पंचवटी चौक, वरना और गुठानी में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से राजद के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। तेजस्वी यादव ने कहा कि इलाके के विधायक से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और प्रधानमंत्री सभी एक ही गठबंधन से हैं। सभी के होते हुए भी कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र विकास की बाट आज जो रहा है। कुशेश्वर स्थान में 2005 तक राजद की सरकार ने जो विकास किया था, आज भी वही विकास दिखाई दे रहा है। उन्होंने कोनिया घाट पर हुए नाव दुर्घटना के बाद वहां जाकर मृत व्यक्तियों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने यहां विकास किया तो सड़क और पुल बना होता, ऐसे में नाव दुर्घटना नहीं होती। लोग मजबूरी में नाव का इस्तेमाल करते हैं रात में भी। सरकार को तो कुर्सी, उनको अपनी कुर्सी की चिंता है, पर कुर्सी से मोह थोड़ा छोड़ करके, तिगड़मबाजी छोड़ करके थोड़ा जनता के बीच आकर के तो देखें। मुख्यमंत्री कितने बार आए हैं यहाँ सड़कों के हाल में देखना, थोड़ा सड़क पे चलेंगे तब जाएं। तो उठ चुके हैं लोग सरकार से लगातार। आप देखिएगा एनडीए की सरकार है, एनडीए के ही विधायक हैं, एनडीए के ही एमपी हैं, एनडीए का ही केंद्र सरकार है। सब कुछ होने के बाद भी जो है कुशेश्वर स्थान के लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है। जिस अनुपात में लोगों ने यहाँ के एनडीए पर भरोसा जताया, इतने सालों से कुछ मिला नहीं। सड़कों का हाल तो बहुत ही बेहाल है, कई क्षेत्रों में विकास नहीं नजर आता, बहुत गरीबी है, बहुत विभिन्न अलग अलग। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज़, जेड न्यूज़, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।